आज की टॉपिक है ट्योर कार्बन। ट्योर जो ब्लास्ट फर्नेस में ट्योर आने तक कितना कार्बन रहता है, आज मैं आपको कैलकुलेशन करके बताने वाला हूं। तो सबसे पहले कैलकुलेशन करने से पहले कार्बन का इनपुट और आउटपुट पहले निकालना पड़ेगा, फिर बाद में फिर हम लोग कैलकुलेशन करके देखेंगे कि ट्योर कार्बन में अप्रोक्सीमेटली कितना बचता है। ये 100% श्योर नहीं कि इतना कार्बन बचता है, तो ओवरऑल एक कैलकुलेशन है, वो कार्बन से बेसिस में कितना कार्बन आ रहा है मैं अब वो बताने वाला हूँ। तो मेनली कार्बन जो इनपुट है कोक में है, नॉट कोक में है और आपका पीसीआई में है, और कुछ कार्बन आपकी लाइमस्टोन में भी रहता है, आप लाइमस्टोन चार्ज कर रहे हो तो। और लॉसेस जो कार्बन हो रहा है वो आपकी ब्लास्ट फर्नेस पिग आयरन में, और मेनली ये मेन जो है पिग आयरन में लॉसेस होता है, और आपकी डायरेक्ट डिडक्शन में कितना कार्बन कंज्यूम होता है वो भी निकालेंगे, और आपकी मेटालॉइड में कितना कार्बन लगता है जो भी डायरेक्ट डिडक्शन होता है तो उसमें भी कार्बन कंज्यूम लगता है, जैसा सिलिका, मैंगनी MnO और P2O5 और टाइटेनियम ऑक्साइड, ये बहुत सारे जो मेटालॉइड है उसमें भी कार्बन की कंज्यूम होता है। तो ये मैं डायरेक्ट रिएक्शन हिसाब से लेके निकालूंगा, तो उसमें हमको अप्रोक्सीमेटली जो मिलेगा वो है ट्योर कार्बन। तो सबसे पहले निकालना पड़ेगा कि फिक्स कार्बन आपका कितना है। तो फिक्स कार्बन जो है तो आपकी जो भी कार्बन आप दे रहे हैं, देने के बाद बाकी मॉइस्चर रिमूव होने के बाद जो कार्बन बचता है पर टन ऑफ एटम में, उसको स्पेसिफिक फिक्स कार्बन बोलते हैं। और उसकी बाद बाकी जो कार्बन हमारा लॉस हो रहा है, जैसा पिग आयरन में जाता है, आपकी पिग आयरन में जो भी 4.5 4.6 जो भी रहता है टन में जितना जाएगा वो प्लस, और आपकी डस्ट में जो डाइजेशन होता है आपकी मेटालॉइड में, उसको आपको निकालना पड़ेगा। तो और बाकी जो कार्बन है वो डायरेक्ट डिडक्शन के लिए कितना कार्बन कंज्यूम होता है, तो उसमें निकालने के बाद जो माइनस करने वाला जो बचेगा वो है आपकी ट्योर कार्बन। चलिए हम लोग शुरू करते हैं कि ट्योर में कार्बन कितना रहता है। सबसे पहले फिक्स कार्बन जो है मैं ऐसे ही निकाल लेता हूँ, मैंने कार्बन बैलेंस किया उसमें आप देख के कर सकते हैं, तो इसलिए मैंने उसको करना जरूर नहीं है। तो इसलिए फिक्स पर कार्बन सोच लीजिए टोटल पर टन में लगता है 450 kg पर टन ऑफ हॉट मेटल, और कार्बन इन पिग आयरन जो है 4.5 हिसाब से आप पकड़ेंगे तो 45 kg पर टन ऑफ हॉट मेटल में होगा। कार्बन कंज्यूम फॉर सिलिकॉन अप्रोक्सीमेटली 6 to 8 kg है, मैंने 6 kg लिया, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि आपकी मेटल में कितना सिलिकॉन आता है, आप उसको लेके निकाल सकते हैं, क्योंकि आपका जितना भी सिलिकॉन आपका इनपुट हो रहा है मेटल में तो उसका मॉलिक्यूलर वेट लेके आप निकाल सकते हैं, तो 6-7 kg आएगा आप 0.8-0.9 पकड़ेंगे तो, और बाकी 1 ton के लिए कितना रहा आप निकाल सकते हैं, ये 6 kg आएगा। और बाकी आपका P2O5 PmNO टाइटेनियम इसमें अप्रोक्सीमेटली कुल ब्लैक पकड़ेंगे तो 2-3 kg ही आएगा। तो बाकी मेटालॉइड में मेटालॉइड कार्बन
और मेटालॉइड्स अप्रोक्सीमेटली पकड़ लीजिए 2 kg, ये सब केजी में है, वॉट रन ऑफ हॉट मेटल अप्रोक्सीमेटली 2 kg पर टन ऑफ मेटल। बाकी कार्बन कंज्यूम होता है 4 डायरेक्ट रिडक्शन। ये जो आएगा डायरेक्ट रिडक्शन किससे आएगा मैं आपको निकाल के बता देता हूं, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। पहले जो फिक्स कार्बन जो है 450 लिया, कार्बन पिगर 445 केजी लिया, कार्बन कंज्यूम पर सिलिकॉन 6 केजी, कार्बन फॉर कंज्यूम फॉर मेटालाइट अप्रोक्सीमेटली 2 केजी, इसमें जो मैंने बोला टाइटेनियम मैंगनीज फास्फोरस ये सब जो है डायरेक्ट रिडक्शन होता है उसमें कार्बन कंज्यूम होता है, तो मैंने अप्रोक्सीमेटली 2 केजी लिया। आप उसे निकाल सकते हैं, आपकी कैसे निकालेंगे, जो आपकी हॉट मेटल में जो भी मैंगनीज आ रहा है जो भी टाइटेनियम आ रहा है तो उस हिसाब से लेके प्रोटॉन हिसाब से उसका मॉलिक्यूलर को लेके निकालेंगे तो इजीली आ जाएगा। तो ये रहा आपकी मेटल आप 2 केजी लिए और कार्बन कंज्यूम पर डायरेक्ट रिडक्शन जो है उसको निकालेंगे। तो मेनली कैसे निकालेंगे, तो सबसे इंपॉर्टेंट है ये है वो कैसे निकालेंगे, डायरेक्ट रिडक्शन परसेंटेज इनटू इनटू आपकी प्रोटॉन में जो मेटल बनता है वो है 945 केजी, ठीक है, 94.5% के आसपास आपका जो Fe रहता है मेटल में, इनटू आपको कार्बन निकालना है तो 12 डिवाइडेड बाय आयरन का मॉलिक्यूलर वेट जो है वो है 56 डिवाइडेड बाय 100, दैट परसेंटेज कितना पकड़ेंगे, लेट मैंने 40% पकड़ा इंटू 945 इंटू 12 डिवाइडेड बाय 56 डिवाइडेड बाय 100, तो आपका ये आएगा, ये आपका आएगा 40 इंटू 945 इंटू 12 डिवाइडेड बाय 56 यह है 8100 डिवाइडेड बाय 100 ये 81 केजी, ये आपका आ गया कार्बन कंज्यूम फॉर डायरेक्ट रिडक्शन आ गया 81 केजी। तो प्योर कार्बन कितना रहेगा, फिक्स कार्बन ऊपर से लिख देता हूं, फिक्स कार्बन को प्योर कार्बन निकालना है तो प्योर कार्बन निकालेंगे, फिक्स कार्बन माइनस कार्बन इन पिग आयरन, पिग आयरन प्लस कार्बन फॉर मेटालॉइड प्लस कार्बन फॉर डायरेक्ट रिडक्शन, ये तो फिक्स कार्बन जो है तो आपका 450 के जी है, माइनस कार्बन पीगा कितना आया था, मैंने 45 पकड़ा हूं 4.5 हिसाब से, और कार्बन पर मेटालॉइड आया था 6 + 2 kg 8 kg प्लस कार्बन पर डायरेक्ट रिडक्शन ये आपका आ गया 81 केजी, ये टोटल हो गया
450 माइनस 134 ये टोटल हो जाएगा 316 kg। ये जो ट्यूर के सामने जो कार्बन है ये है आपकी 316 kg है। आपके डिपेंड करता है, ये आपका ऊंचा नीचे हो सकता है क्योंकि ये कैलकुलेशन बेसिस में हो रहा है, तो मैंने उसको रिएक्शन हिसाब से लेके निकाला हूँ, क्योंकि जो मेटालॉइड है तो आपका ये कैलकुलेशन बेसिस में, जैसे आपका P2O5+5C जो निकलता है तो 2P+5C है, तो उस हिसाब से कितना लग रहा है कि आपका फॉस्फोरस कितना है मेटल में, और आपकी टाइटेनियम भी सेम, टाइटेनियम ऑक्साइड प्लस 2C इक्वल टू आपका वो आ जाएगा कि टाइटेनियम प्लस 2CO। तो इसी तरह सिलिका का भी वैसा ही है, SiO2 प्लस 2C इक्वल टू Si प्लस 2CO। तो इस वही हिसाब से कितना लग रहा है आप खुद लेके कैलकुलेशन करके आप पुट कर सकते हैं, ये वैल्यू चेंज हो सकता है, आप डिपेंड करता है कि आपका डायरेक्ट परसेंटेज जो है 50-40 कितना हो रहा है। आप जब कार्बन बैलेंस करेंगे उससे पता चल जाएगा कि कितना डायरेक्ट रिएक्शन हो रहा है, कितना इनडायरेक्ट रिएक्शन हो रहा है, तो उस हिसाब से निकालेंगे तो ट्योर कार्बन जो है वो है 360 बच रहा है। तो आपका डिपेंड करता है कि आपकी जो फ्यूल रेट है वो आपके पर राउंड हॉट मेटल में कितना है, बस वेरी सिंपल है। तो आप इसी तरह आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू।